जैसे हमारे पापा कुमार है उसे उनको भी सजा मिलनी चाहिए। बच्ची पापा को याद करके आँख से आंसू निकल गया। देख सकते हैं एक बच्ची, एक बेटी अपने बाप के हत्यारों को जो है आखिर कैसे बख्शेगी। पोलिन भी रखे थे, बला कर्म लिखा देते थे इसी डेट के लिए, मन दे। हाँ इसीलिए डरा रहता था आदमी, इसीलिए कुछ नहीं बोलता था, यही इसीलिए भाई की मेरी जान मारी गई है। जैसे हमारे आत्मा में गोली मारे वैसे ही हमारे उनका दुश्मन का गोली मारा जाए। आप नहीं थी वहाँ पर? भैया के साथ हम नहीं थे, हमारे भैया के लावारिस जैसे निहत्था हमारी भैया हमारे से परा रहे के आगे पीछे। कि आप क्या चाहती हैं? हमें न्याय चाहिए, इस घर में बिल्डोजर चलना चाहिए और जो कातिल है उनकी हत्या होना चाहिए। जैसे मेरे पति इनकाउंटर चाहती हैं, कातिलों का इनकाउंटर। हाँ जैसे मेरे पति मरे हुए हैं ऐसे उनको भी मौत चाहिए। कितने लोग थे जो आए थे गोली चलाने? वो चार आदमी थे। कौन था, नाम बताइए। तो नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं प्रयागराज के लोहगरा के ही नज़दीक आने वाला एक गांव है भिलाव गांव, ये 12 थाना के अंतर्गत आता है और यहीं पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। और आइए बात करते हैं 14 तारीख को, जो बीता 14 तारीख है, यहाँ पर एक दिन दहाड़े गोली चला करके निर्मम हत्या कर दिया जाता है। और जो उस गोली कांड में मारे जाते हैं उनके पिताजी हमारे साथ हैं और भाई हैं, छोटे भाई हैं, और पत्नी से भी उनके बात करेंगे। आइए मामले को समझते हैं, क्या था मामला और क्यों कैसे गोली चल गया अचानक से, क्या पुरानी रंजिश थी इन लोगों की या फिर कुछ और था। क्या नाम है आपका, शुभ नाम? हमारा नाम है संतोष कुमार मिश्र। अच्छा, ये जो 14 तारीख को घटना हुआ है आपके ही घर का है मामला? हाँ जी, हमारे घर का है। कितने बजे का मामला था? 6:15 सुबह टाइम। कैसे क्या हुआ उसको थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से बताइएगा। अब होगा ऐसा हुआ कि हम बच्चे गए रहन बेहन डाले धान के, अब बैठ के बेहन जो है वो अपन ट्रैक्टर को जुताई करी के जो है बैठा रहे और हम जो है अपन जाल लगावत रहे। आई अपन पहुँचे चारों जने, तो हुआ पहुँचे के बाद जैसे लगभग हियाँ से अरे ऐसे बचा रहा इतने में जो है डाक देहन एक लेबर रहा गांव के भगवान, तो कहन भगवान ते हट जो है आज इन्हें छूटब, इतने में फायरिंग डबल बैरल से मार दें। फिर ओके बाद जो है चार ठे कट्टा रहे, फिर कट्टा से वारदात करें पांच जो है फायर। वो लोग कितने लोग थे जो आए थे गोली चलाने? वो चार आदमी थे। कौन कौन था, नाम बताइए। वो जो है साकेत बिहारी पांडे, सा नाम श्यामाकांत पांडे, श्यामाकांत पांडे असा नाम जमुना प्रसाद पांडे, और दीपक पांडे सा नाम कृष्ण बिहारी पांडे, और आकाश पांडे सा नाम साकेत बिहारी पांडे। ये चार थे, बाकी कौन थे कहाँ लुके थे ये तो हमने नहीं देखा, लेकिन चार थे मौजूद हालत पे। श्यामाकांत ने डांक दिया। सारे लोग असलहे से लैस थे और जो है श्यामाकांत के हाथ में डबल बैरल थी। लाइसेंसी थी क्या जो है? हम नहीं जानते वो हम कि लाइसेंसी है, हम तो जानते हैं कि इनकी अवैध है लाइसेंसी, तो एक नाल इनकी है, एक नाली है, अब इसके तो अवैध ही है। पुराना आप लोगों का कोई रंजिश था? नहीं, हमारा उनका कोई रंजिश पुराना नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं थी। तो थोड़ा होली पे हल्का फुल्का बातचीत हुई रही, दारू पी के अंड बंड करें तो वही फोहा दुई फोहा, बच्चे गाली गलौज कर रहे थे लोग, बस अब बात उसके बाद कोई वारदात नहीं। हाँ, होली पर छोटी मोटी घटना को लेकर के ये पूरा इतना बड़ा इंजाम दिया, इतना बड़ा इल्जाम दिया गया, रंगदारी। क्या करते हैं वो लोग जो ऐसा घटना के मुर्गा मछली खा के जो है रंगदारी, गुंडा टैक्स चोरी, गुंडा टैक्स पैसा सुनना, यही उनका पैसा है। मतलब रंगदारी वसूलते हैं ऐसे ही काम कर चलता है काम उनका, इसी प्रकार चल रहा है। कई कांड किए, भाई चुराना हर चीज़ करना उनका यही वारदात ही है, पहले भी कई कांड कर। हाँ सब ऐसे चोरी करते ही रहते, उनका दिन ऐसे जाइए तक काम जो दुनिया में न करिए, भोजन कहाँ से मिली, कहाँ से सब कुछ चाहिए। कोई लोगों के पास कोई व्यापार नहीं? नहीं कोई व्यापार नहीं, कोई व्यापार नहीं,
ना उनके पास कोई व्यापार नहीं। यही यही घर है बता रहे हैं? यही घर सामने सामने यही घर है। यही घर सामने ये दो ये घर दोनों यही घर है। दोनों घर उन्हीं का है? उन्हीं का, दोनों भाई भाई। कोई सदस्य नहीं? नहीं कोई सदस्य इस समय नहीं है। महिलाएं भी नहीं है? कोई नहीं है, सब भागे हुए हैं। सब भाग गए। देख सकते हैं दर्शकों, यही वाला घर है बता रहे हैं, और इस वक्त कोई नहीं है घर पर, सारे लोग भाग चुके हैं डर के मारे। आप तो जानते ही हैं कि योगी के पुलिस से और योगी जी से कितना अपराधी खौफ खाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और यही कारण है कि आप देख सकते हैं इस समय सारे फरार हैं। और खौफ खाए तो ऐसे कांड हो यार, दिन दहाड़े बिना अर्थ के रंगदारी मांगे के कारण, बिना रंगदारी मांगने के कारण, न दे के कारण किसान आदमी कहाँ से रंगदारी दे सकता। मतलब योगी की पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है? कुछ नहीं खौफ है, खौफ हो तो हो, आज चार दिन हो गया क्या हो रहा है, घर तक कैसे पड़ा है सब साले सामने आए। घर भी नहीं गिरा ना ध्वस्त हुआ आज तक, क्या हुआ? घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, घर पर बुलडोजर बिल्कुल चलना चाहिए, नहीं तो आया दिन गोली मारी जाएगी। लोग तो कहते हैं कि योगी जी की सरकार, योगी जी की पुलिस जो है बुलडोजर की सरकार है। लोग कहते हैं बुलडोजर की सरकार है, लेकिन जब हमारे वारदात में अगर बुलडोजर चले तो हम माने, हम क्या माने? भाई व्यक्तिगत हम बुलडोजर मानते हैं, अब इसमें हम क्या माने? अब इसमें बुलडोजर चले तो हम माने कि हाँ, भरोसा तभी होगा जब आपके इसमें बुलडोजर चले, तभी तभी तो भरोसा है। खौफ हो तो मार देते हैं, 26-27 साल के लौंडा के ना बिना कसूर एक साधु लड़का के तड़पाज के अचानक से आए और बिना डरे बिना झुके इस तरह से कान, हाँ इस तरह से कान के दिन दहाड़े, वो भी नहीं कि रात बिराग तो है। अच्छा, जब होली पर ये छोटी मोटी बातचीत हुई थी, कहा सुनी हुई थी, तो आप लोग एप्लीकेशन थाने पर दिए थे? हाँ एप्लीकेशन दिए थे। वो वाला मुकदमा चल रहा था? वो मुकदमा हाँ 151 में चल रहा था, हाँ आज भी चल रहा है। इसके बावजूद भी वो लोग घटना का बावजूद ये घटना का इल्जाम किया, हाँ। तो देख सकते हैं होली पर बातचीत हुई थी, कहा सुनी हुई थी, और वो कहा सुनी जो है थाने तक भी गया था, उस वो मामला थाने तक भी गया था, थाने तक भी वो मामला गया था, और उसके बावजूद भी वो लोग डरे नहीं थी, और बिना डरे जो है, ये छोटे भाई हैं, इनसे बात करते हैं। दो भाई हैं, दो ही भाई थे, ये छोटे हैं वो बड़े थे, कितने साल छोटे हैं? एक साल छोटे जी। क्या कहेंगे इस मामले पर? इसमें हम कहना चाहते हैं हमको न्याय मिले। पीछे देख लीजिए, इनके घर के पीछे जंगल है, उधर से आते हैं, रात में आते हैं, दिन में आते हैं, पीछे से आते हैं, आगे ताला बंद है, पीछे पूरा खुला है स्पष्ट, आप पीछे चल के देख लीजिए। वो इनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए, अभी मुलजिम हाजिर नहीं हुआ है, पूरा फरार है, दो मुलजिम हाजिर हुए हैं, दो मुलजिम मेन जो हैं जो बंदूक ले कर देने वाले हैं, गोली देने वाले हैं, वो हाजिर हो गए हैं, और दोनों मुलजिम मेन हैं जो फरार हैं, और मारने की जान के धमकी देते हैं, और लोग को दे रहे हैं धमकी। कितनी गोलियां शरीर में चलाई गई थी? शरीर में गोली 4 चलाई गई है। कहाँ कहाँ लगी? एक पैर में लगी है, एक पीठ में लगी है, एक हाथ में लगी है। एक पीठ में भागने लगे थे तब पीठ में लगी? भागने लगे थे नहीं, पीठ पहले हाथ में लगा, फिर पीठ में लगा, फिर पैर में लगा, फिर उसके बाद सर में लगा, सर पे गोली, फिर हाँ। उसके बाद पिताजी मेरे भाग रहे थे, उनको भी गोली चलाई गई, मगर गोली निशाना न लगने पर उनकी जान बच गई, उनकी शरीर में गिरने की चोट आई है। उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त हम घर पे थे, पिताजी भैया गए थे खेत में जोतने, खेत अभी हन डालने के लिए जी। देख सकते हैं, मतलब एक तरह से आप जान लीजिए कि निहत्थे थे, उन लोगों के हाथ में, उनके हाथ में कुछ था नहीं, ना तो कोई हथियार था, ना ही कोई चीज़ था, और इसी का फ़ायदा उठा करके जो उनके विरोधी थे, फ़ायदा उठाते हुए पहुँच गए और इस घटना को अंजाम दे दिए। माता जी हैं जी, माता जी को बुला दिए, पत्नी को बुला दिए, उनसे पूछ लेते हैं पत्नी का आखिर मांग क्या है। तो दर्शकों, भेलाव गोलीकांड में मारे गए जो मृतक हैं, मनीष मिश्रा करके ना, मनीष मिश्रा था, मनीष मिश्रा की पत्नी हैं और माता जी हैं, आप देख सकते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, आखिर मनीष मिश्रा जी की जो पत्नी हैं ये क्या चाहती हैं, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बच्चे कितने कितने बड़े हैं? छोटे छोटे हैं, 1 8 साल की लड़की है, 1 7 साल की लड़की है, लड़का 5 साल का है। क्या चाहती हैं इस घटना को लेकर के, आप क्या चाहती हैं?
हमें न्याय चाहिए, इस घर में बिल्डोजर चलना चाहिए और जो कातिल है उनकी हत्या होना चाहिए। जैसे मेरे पति इनकाउंटर चाहते हैं कातिलों का इनकाउंटर। हाँ, जैसे मेरे पति मरे हुए हैं ऐसे उनको भी मौत चाहिए। तभी तो अभी 3 दिन हो गए, बीत गया, अभी तक पुलिस का कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुआ है, डीएम महोदय ऐसा कोई अभी आदेश नहीं दिए हैं घर के उनके ध्वस्तीकरण का, तो आप क्या चाहेंगे, डीएम से क्या गुहार लगाएंगे? डीएम से यही गुहार लगाएंगे कि हमें न्याय चाहिए, इस घर को गिराया जाए, बिल्डोजर चलना चाहिए इस घर में। नहीं तो आपको कानून व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं होगा? नहीं, कानून पर नहीं, पुलिस पर बिल्कुल नहीं। अब बच्चे को पढ़ने लिखने पूरा सहायता चाहिए हमको, नहीं हम छोटे छोटे बच्चे लेकर के कहाँ जाएंगे। अच्छा, जो सुरक्षा है मिली है आपको कि नहीं? सुरक्षा जो अभी कुछ नहीं मिली है हमें। सस्त लाइसेंस अभी नहीं मिला है? पुलिसकर्मी मिले हैं? अभी कुछ नहीं मिला है। तो शादी का कितना दिन हुआ था आपके? 9 पूछ के 10वां लगा हुआ है अप्रैल से। 10 साल? हाँ, 10 साल हो गया था शादी के, लगा है। माता जी हैं, माता जी से थोड़ा बात करते हैं। आखिर एक माँ का दर्द क्या होता है आप समझ ही सकते हैं, जब उस माँ का बेटा जाता है, जिस माँ ने अपने बच्चे को इतना पाला पोसा, 9 महीने कोख में रखने के बावजूद भी, उस माँ का दर्द समझते हैं, क्या कहेंगी आप? जब हमार हाथी इस भैया का लाई ली तो हम चाहती थी कि हम उनके घर बुलडोजर चल जाए, नहीं अब हमारे घर का कह सकता का नहीं कह सकते, छोटे छोटे बच्चन की भी मार सकता हैं। अब उनकी रक्षा किए के आदेश हो तो कुछ रक्षा लड़कन का हम कहाँ लेके नान का पतोह हमार कहाँ जाए, उनका कार्रवाई से कुछ हमारे लड़कन का आसरा दिन जाए, रास्ता बताया जाए। नहीं हम छोटे छोटे बच्चा भैया तो हमारे लाई ली तो इनका हम कहाँ लेके जाब है, तो इनका जरूरी है कि जैसे हमारे आत्मा में गोली मारे वैसे ही हमारे उनका दुश्मनन का गोली मारा जाए। अच्छा, उस वक्त आप नहीं थी वहाँ पर? भैया के साथ हम नहीं थे, हमारे भैया के लावारिस जैसे निहत्था हमारी भैया हमारे ऐसे परा रहे, क्यों आगे पीछे नहीं था, अब मार के भागे हैं भैया हमारे परा रहे, जितनी समय गाने भैया हमारे एकदम लावारिस परा रहे ऐसे मेरे। अच्छा, उस वक्त जान निकल चुकी? जान निकल चुकी है, भैया के लगे पकड़ा ने भैया के एकदम बोला नहीं रहे पर इतने बड़े भोग से ही ना करे जन मगोली न थी रही, भैया भैया बोला भैया हमारे एकदम उतार नहीं परा रहे चारों खून चट भूंग ऐसे माटी चारा में। तो यह है कि हमारे लड़कन का के दिखावार है भाई, इनका क्यों देख वाला चाहिए, अब इनके खातिर के परवस्ती करी, तो यह तो कुछ देख चाहिए हमारे भैया इनका। अये जो नुराखे हैं घर एक ही अंदर घुसा था कब और कैसा का था छोटे हमारे बच्चन का, तो एक जंगल पीछे है कहाँ से जंगल भी है, आ भी सकते जंगल भी है आते भी हैं, कितना हम बच्चन का लुकवा के रखा भाई, कब हमारे छोटे छोटे नातिन बच्चन का मुरेर दे सका था। बच्चे थोड़ा आप बुला लीजिए, कौन है देख लीजिए उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप देख सकते हैं, ये सब नादान बच्चे हैं, देख सकते हैं ये नादान बच्चे हैं, देख सकते हैं नादान मनीष जी के ये बच्चे हैं, देख सकते हैं 2 बेटियां एक बेटा जो है, क्या नाम है बेटा आपका? रूही। क्या कहेंगी बेटा, पापा के जो हत्यारे हैं उनको किस तरह का सजा मिलना चाहिए? मारा जाए, इनकाउंटर किया जाना चाहिए ना। किस क्लास में बेटा? 3। अभी पढ़ाई नहीं कर रही? पढ़ाई पढ़ने नहीं, जाती हो? पढ़ाई अब नहीं जाती है ना, पढ़ाई वैसे अच्छा, अच्छा। क्या नाम है आपका, आप बड़ी हो? क्या कहेंगी बेटा, जो पापा के हत्यारे उनको कैसी सजा मिलनी चाहिए? जैसे हमारे पापा कुमार है वैसे उनको भी सजा मिलनी चाहिए। देखिए देखिए बच्ची पापा को याद करके आँख से आंसू निकल गया, देख सकते हैं एक बच्ची एक बेटी अपने बाप के हत्यारों को जो है आखिर कैसे बख्शेगी, याद कर रही है अपने पिताजी को, देखिए बच्ची रो रही थी, सजा मिलनी चाहिए बेटा। तो ये उनका छोटा सा परिवार है, पत्नी है, और क्या मांग करेंगी सरकार से आप, शासन प्रशासन से? हमारे बच्चों को पूरी सुरक्षा, पढ़ाई, और हमें भी कोई पैसा कौड़ी का मदद होना चाहिए, अपना बच्चे को कैसे परवरिश करेंगे। 10 लाख तक, कम से कम 10 लाख तक सरकार को इसमें मुआवजा देना चाहिए कम से कम आपको जी। और क्या चाहिए सरकार?
बच्चों की पढ़ाई से संबंधित? हाँ जी, तो बच्चों की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था किया जाना चाहिए, साथ ही साथ इनके लिए जो है जो पेंशन होता है विधवा पेंशन और जो शस्त्र का जो लाइसेंस होता है वो इमरजेंसी में तत्काल, हम तो यही कहेंगे डीएम साहब से तत्काल इस मामले में जो है शस्त्र लाइसेंस इनको प्रोवाइड कर दिया जाना चाहिए, ताकि इनके पास एक हथियार तो रहे सुरक्षा के लिए। अगर आप शस्त्र लाइसेंस अगर इमरजेंसी में इनके लिए नहीं व्यवस्था करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा? हम मानते हैं चलिए ठीक है पुलिस की सुरक्षा दे दी गई है, अच्छी बात है, लेकिन इनके पास भी तो एक हथियार होना चाहिए, इनके पास भी तो एक होना चाहिए जिससे ये अपनी सुरक्षा स्वयं कर पाए। तो यही परिवार है और भी देख सकते हैं परिवार के लोग इस वक्त दुख सुख में सब शामिल हुए हैं। ये बहन है क्या, आप क्या कहेंगी, क्या नाम है आपका? मीनू नाम। क्या कहेंगी भाई के हत्यारों को कैसी सजा मिले? कड़ी से कड़ी मिले, उनको इनकाउंटर कर दिया जाए। ये खबर आपको कब मिली? देखिए हमारे भैया सुबह गोली लगी तभी। अच्छा, घर वाले बताए? हाँ। भाग के चली आए, भाग के गिरते पड़ते बेहोशी हालत में आए। कोई भाई मारा जाएगा तो क्या बोलेगा? कितनी बहन है आप लोग? चार बहन है। चार के चारों बहन आ गई। हाँ, देख सकती हैं चार बहनें दो भाई, आप समझ सकते हैं कि ये परिवार जो है ज़्यादा बड़ा परिवार तो नहीं था, लेकिन फिर भी दो भाई चार बहनें आप समझ सकते हैं, और किसी से कोई इनका दुश्मनी भी नहीं था, कुछ नहीं था, खाते थे यहीं पीते थे रहते थे, पता नहीं किस लिए मार दिए। रंजिश पुरानी नहीं थी? कोई रंजिश नहीं थी, चाचा चाचा बोलते थे वो, पता नहीं क्या जला। लोगों को चाचा चाचा बोलते थे फिर भी? हाँ फिर भी। हाँ अच्छा, रंगदारी क्यों मांगते थे, किस लिए मांगते थे? अरे वो रंगदारी मांगते थे, कहते थे हम हरिजन एक्ट में फंसा देंगे, गांव में किसी कुछ फंसाते हैं, ये फंसा के यही करके उनका ये भी कॉलिन भी रखे थे, भला कर्म लिखा देते थे इसी डेट के लिए मैंने। अच्छा, हाँ ऐसा किए थे? हाँ, इसीलिए डरा रहता था आदमी, इसीलिए कुछ नहीं बोलता था, यही इसीलिए भाई की मेरी जान मारी गई है। वहाँ पे नहीं ना देने पे वहाँ पे गए पूरा लेके असलाह के साथ, आगे पीछे से वारदात कर दिए, जान चली गई भाई की। इस मामले के अच्छे मामले का अच्छे से जांच हो तत्काल, हम तो यही कहेंगे। दो आरोपी अभी तक पकड़े जा चुके हैं, दो आरोपी में कौन कौन पकड़ा जा चुका है? दीपक पांडे, श्यामाकांत पांडे, और दो लोग जो और भागे हैं जो गोली चलाए हैं वो साकेत बिहारी पांडे और आकाश पांडे। अभी ये लोग फरार हैं? फरार हैं, पुलिस पकड़ पाई? हाँ, हम यही कहेंगे प्रयागराज पुलिस से, ये चाहे आकाश में छिपे हों चाहे पाताल में छिपे हों, पुलिस का काम है कि रात दिन एक कर दिया जाना चाहिए और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जल्द से जल्द। आखिर कहाँ गए हैं, कहाँ छिपे हैं वो, चाहे जहाँ छिपे हों उनकी गिरफ्तारी हो और कठोर से कठोर सज़ा अगर वो दोषी पाए जाएं तो उनको मिले, हम तो यही कहेंगे। बाकी हम ये कहेंगे शासन प्रशासन से, मेरी गुहार ये है हमारी शासन प्रशासन से कि उनकी जो पत्नी है पत्नी के लिए राहत का व्यवस्था किया जाना चाहिए, सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है प्रयागराज की पुलिस जो है उनकी है वो करें, और जो लाइसेंस का व्यवस्था है शस्त्र लाइसेंस का वो भी होना चाहिए और इमरजेंसी में तत्काल होना चाहिए, हम यही कहेंगे। बाकी बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ, बने रहिए राज रावत के साथ।